इसलिए मैं आप सभी का स्वागत है। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज पैडागोजी के क्वेश्चंस। सो लास्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस किए थे, आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम 6th क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फॉर सीटेट। सो आवर क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स इन प्राइमरी क्लासेस हैव अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेट कंसेप्शंस इन मैनी टॉपिक्स लाइक लिविंग, नॉन लिविंग, वाटर साइकिल, प्लांट्स एक्सेट्रा। The sources of these alternate conceptions can be family and community, textbooks and other books, teachers, stories and poems. जो बच्चे होते हैं छोटी क्लास में तो वो ना अलग अलग कंसेप्शन सीख लेते हैं अलग अलग टॉपिक से, जैसे कि लिविंग और नॉन लिविंग से उन्होंने कुछ नया सीखा, फिर वाटर और साइकिल से उन्हें एक नया कंसेप्ट पता चला, जो कि आपस में लिविंग, नॉन लिविंग और वाटर साइकिल। देखो नॉन लिविंग में हम कह सकते हैं ट्रीज है और वाटर साइकिल में भी ट्रीज आ रहे हैं, लिविंग में आ रहे हैं एनिमल्स आ रहे हैं, वाटर साइकिल में भी एनिमल्स आते हैं या ह्यूमंस आते हैं जो कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्लांट्स हो गया। तो ये सब आपस में ऑल्टरनेटली कनेक्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट एक ही है, ठीक है। तो ये जो सोर्सेज है ऑल्टरनेट कंसेप्शंस के, ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये तो फैमिली कम्युनिटी हो सकती है, टीचर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट बुक या दूसरी बुक्स, स्टोरीज या पोएम्स है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या है कि ऑल्टरनेट कंसेप्शंस जो हैं वो किसके थ्रू बच्चे बेटरली समझते हैं, वो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं? सो द आंसर इज ए बी सी एंड डी, चारों के चारों ऐसे हैं ये जो कि ऑल्टरनेट कंसेप्शंस के सोर्सेज हैं। फैमिली एंड कम्युनिटी से भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, टीचर्स भी हमें सिखा रहे हैं, स्टोरीज और पोएम से हम सीख रहे होते हैं, टेक्स्ट बुक और दूसरी बुक्स में तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये चारों चीज़ें हैं जो कि ऑल्टरनेट कंसेप्शंस को हमें सिखाती है, मतलब उसमें अलग अलग कंसेप्ट, मतलब जो सेम कंसेप्ट है उसको अलग वे से दिखाया होता है, तो इसलिए एंड कई बार कंसेप्ट को सेम वे में भी दिखाया होता है बट वो दूसरी चीज़ के लिए हो रहा होता है, तो इस वजह से ये चारों ही बेस्ट है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच इज, ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स, व्हाई इट इज सो। जो कि आपके शीशे के बर्तन होते हैं या कुछ ऐसी बॉटल्स है जो कि शीशे की है, तो आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब अचार बनाती है तो पहले उनको अच्छे से सुखाती है, उसमें जब अचार भरने वाली होती है तो वो ऐसा क्यों करती है? ऑप्शंस आर टू रिमूव द डस्ट फ्रॉम देम, टू रिमूव द मॉइस्चर कम्प्लीटली, टू मेक पिकल्स टेस्टी, टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर। तो आपकी मम्मी ऐसा क्यों करती है? जस्ट थिंक इट। सो द आंसर इज टू रिमूव द मॉइस्चर कम्प्लीटली, ताकि उसमें थोड़ी सी भी हवा नहीं रहे, और वो एक टाइट कंटेनर में हमेशा अचार को बंद करते हैं, क्योंकि अगर वो हवा के साथ आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, या फिर हो सकता है उसमें फूई लग जाए, या फिर हो सकता है कि उसमें कई बार ना काला काला कुछ ऐड ऑन हो जाता है, तो वो भी फूई ही होती है, एक तरह से बन जाए कह सकते हो। सो पिकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग और एक्सपेंडिंग द लाइफ स्पैन ऑफ फूड बाय आइदर एनारोबिक फर्मेंटेशन इन ब्राइन और इमर्जन इन विनेगर। तो अचार बनाने का एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम जो खाना होता है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो उसके लिए हम दो प्रोसेस यूज़ करते हैं, या तो हम उस खाने को विनेगर के अंदर डुबो दें, ठीक है, या फिर उस खाने के साथ हम एनारोबिक फर्मेंटेशन कर सकते हैं। पिकलिंग प्रोड्यूसर विल टिपिकली अफेक्ट द फूड टेक्स्चर एंड फ्लेवर। जो प्रोसीजर है अचार बनाने का वो ज़्यादातर फूड का टेक्सचर चेंज कर देता है या उसका फ्लेवर अच्छा करने के लिए होता है। टू रिमूव द मॉइस्चर, ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स। तो जो ग्लास के जार होते हैं उनको मॉइस्चर फ्री करना होता है, इसलिए हम उनको सन के अंडर रख देते हैं, ताकि उसमें हल्का फुल्का भी पानी ना रहे, वो बिल्कुल ग्लास सूख जाए। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच इज, सॉरी इट्स अ 8th क्वेश्चन, विच इज, रेनू ग्रैंड मदर शोज हर अ ड्राइड अप वेल एंड टेल्स हर डैड 15 टू 20 ईयर्स अगो देयर वाज वाटर इन द वेल। रेनू एक गर्ल है, ठीक है, तो उसकी जो दादी है वो उन्हें उसे कहती है कि ना, उन्हें वो एक कुआ दिखाती है उस बच्ची को एंड कहती है कि ना 15 से 20 साल पहले इस कुएं में बहुत सारा पानी हुआ करता था, लेकिन अब इस कुएं में पानी बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो वो कौन से रीज़न हो सकते हैं कि उस कुएं में पानी नहीं बचा? So the options are, the soil around the trees, well and nearby area is now covered with cement. A lot of boring pumps have come up in the nearby area. Nobody uses the well as there are taps in everybody's house now. तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा
आंसर वैलिड रीजन है कि वो कुएं का पानी सूख गया. सो द आंसर इज ए एंड बी. द रीजन फॉर ड्राइंग अ वॉटर इन द वेल आर सीमेंटिफिकेशन ऑफ सराउंडिंग एरिया एंड अ लॉट ऑफ बोरिंग पंप्स क्रिएट्स ग्राउंड वाटर लेवल्स वेरी लो. तो ए एंड बी आपका ऑप्शन इसलिए है क्योंकि जो आसपास के एरियाज में ट्री थी, ठीक है, अब उसको सीमेंट से ढक दिया गया है, वहाँ पे अब कोई ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज वगैरह बन गए, मॉल्स वगैरह बन गए. और दूसरा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि अब ना हर जगह पे ना बोरिंग पंप्स बना दिए. मतलब कहते हैं ना आपके कि तुम्हारे घर बोरिंग का पानी आ रखा है, तो बोरिंग पंप का क्या मतलब है कि ना एक एक जगह बना देते हैं डैम टाइप, उसमें ना पानी इकट्ठा करके रख लेते हैं, तो इसलिए वेल्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है अब लोगों को. तो इसलिए वो कुआ सूख चुका है बिकॉज कुएँ का सारा पानी बोरिंग पंप्स में सेव कर दिया गया है. एंड साथ ही साथ जो आसपास की जगह थी वहाँ पे अब ट्रीज नहीं है, तो ट्रीज ही पहले पानी इकट्ठा करते थे जब बारिश होती थी, जिसकी वजह से कुआं भी भरा रहता था. लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह आसपास बन गई है, सीमेंटिफिकेशन हो गया है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 विच इज एन एग्रेट सिट्स ऑन अ बफेलो बिकॉज. एक एग्रेट है, कौआ कह लो एक तरह से, ठीक है. एग्रेट मेरे को भी नहीं पता है एक्चुअली कौन सा बर्ड है, बट हमने देखो कई बार ना गाय भैंस पे ना कुछ एक बर्ड सी बैठी रहती है, कली कली सी होती है, और आई थिंक वो उसकी ना शार्प सी नोज टाइप होती है. वो चिड़िया भी नहीं होती, वो कौआ भी नहीं होता, बट एक होती है इसी टाइप की, ठीक है. तो उसे हम एग्रेट कहते हैं. तो जो एक एग्रेट है वो बफेलो के ऊपर क्यों बैठ रही है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर. सो ऑप्शंस है कि एग्रेट सिट्स ऑन द बफेलो फॉर फन. एग्रेट मजे के लिए बैठ रही है बफेलो पे. बफेलो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो बफेलो है वो घूमती रहती है, तो एग्रेट को उड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे एग्रेट बफेलो के ऊपर बैठे बैठे पहुँच जाती है. एग्रेट वॉन्ट्स टू स्केयर द बफेलो. एग्रेट बफेलो को डराना चाहती है उसके ऊपर बैठ के. एग्रेट एंड द बफेलो हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. जो एग्रेट और बफेलो है इनमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए. सो द आंसर इज ऑप्शन डी. एग्रेट और बफेलो में जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्यों है, क्योंकि जो बफेलो है ना उसके ऊपर ना इंसेक्ट्स आ गए, उसके बालों में ना चिपक गए, ठीक है. जो एग्रेट है अब उसको खाना चाहिए, वो इंसेक्ट्स खाता है, तो वो बफेलो की स्किन पे से वो इंसेक्ट्स को खा रहा है, ठीक है. तो ये दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा है. जो बफेलो है उसको उन इंसेक्ट्स से छुटकारा मिल रहा है, ठीक है, और जो एग्रेट है उसको खाने के लिए चीज़ें मिल रही हैं. तो इसलिए ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 विच इज Which one of the following is not a function of roots for the plant? कौन सा ऐसा function है जो कि plant की roots के लिए function नहीं है. So the options are to provide humus, to give support to the plant, to absorb water and minerals. Roots make food. तो आपके according answer क्या होना चाहिए. कौन सा ऐसा function है जो कि roots का नहीं है एक plant के लिए. So the answer is ऑप्शन डी. रूट्स मेक फूड. जो रूट्स होती हैं वो खाना बनाती हैं. ये आंसर आपका नहीं है क्योंकि रूट्स खाना नहीं बनाती हैं. द फर्स्ट रूट डेट कम्स फ्रॉम अ प्लांट इज कॉल्ड द रेडिकल. जो पहली रूट प्लांट से निकलती है उसको हम रेडिकल कहते हैं. अ रूट्स फोर मेजर फंक्शंस हैं. जो रूट के मेजर फंक्शंस हैं वो ये है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. जो रूट होती है वो पानी को सोखती है, और जो पानी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स थे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे, वो उनको अपने अंदर सोखती है. एंकरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी टू द ग्राउंड एंड सपोर्टिंग इट. जो रूट्स होती है वो प्लांट के पानी पहुँचाती है, उसे उसको नर्चर करके रखती है, उसको खाना पानी भी मिलती है, ठीक है. स्टोरेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स. रूट्स जो होती है वो फूड को स्टोर करके रख लेती है और न्यूट्रिएंट्स को भी. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड कंपटीशन विद अदर प्लांट्स. और इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है बिकॉज अगर उस प्लांट का दूसरी साइड पर कुछ गिर जाए, अगर इसी वाली मतलब कुछ पत्ते गिर जाए जो कि उसके अंदर समा गए, तो उसकी जो थोड़ी बहुत रूट्स निकलेंगी और वो पहले वाले प्लांट की रूट के साथ मिल जाती है, तो एक तरह से वो दूसरा प्लांट भी ग्रो होने लगेगा, तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही है. एंड एक तरह से दूसरे प्लांट के साथ कंपटीशन बन जाता है. आपने देखा हो कई बारी क्या कहते हैं उन्हें, अनवॉन्टिंग वीड्स उग जाते हैं, तो वो इसी वजह से उगते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ये हमारा वीडियो ख़त्म होती है. होप सो आपको पसंद आई होगी.
Thank you for watching it. Bye bye.